दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपके मोबाइल की बैटरी बहुत जल्दी खर्च हो जाती तो उसे आप अधिक समय तक कैसे चला सकते हो। दोस्तों इसके लिए आपके फोन में एक सेटिंग होती है डेवलपर ऑप्शन के नेम से, इस पर आप चार सेटिंग को इनेबल कर लेते हो तो दोस्तों आप अपनी बैटरी को सेफ जोन में रख सकते हो या दोस्तों बहुत अधिक समय तक चला सकते हो। जैसे दोस्तों इस वीडियो में आपको 100% प्रूफ के साथ बताऊंगा कि इस सेटिंग को आप अपने बैटरी पर दोस्तों कैसे यूज कर सकते हो, आपकी बैटरी ड्रेन होने से भी बच जाएगी और इस सेटिंग को आपको कैसे इनेबल करना होगा वो सारा प्रोसेस इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बताऊंगा। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो मेरे इस फोन में डेवलपर ऑप्शन शो हो रहा, बट इस फोन में मेरे डेवलपर का ऑप्शन नहीं शो हो रहा। इस ऑप्शन को आप कैसे इनेबल कर सकते हो वो सारा प्रोसेस इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बताऊंगा। सो गाइस चलता हूं, वीडियो करता हूं स्टार्ट। सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपनी सेटिंग पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहां पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना। नीचे आने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा एडिशनल सेटिंग का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो यहां पर आपको डेवलपर का ऑप्शन शो होता है इस फोन में मेरे, बट इस फोन में ऐसा नहीं है। इस फोन पर दोस्तों पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप डेवलपर सेटिंग को कैसे इनेबल कर सकते हो, आपके फोन में नहीं आ रहा है तो उसे आप कैसे ला सकते हो। इसके लिए आपको अबाउट फोन पर क्लिक करना होगा। सो गाइस यहां पर लाइक कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है, फिर यहां पर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, यहां पर आपको सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहां पर आपको दोस्तों बिल्ड नंबर का एक ऑप्शन शो होगा या यहां पर आपको MIUI वर्जन का एक ऑप्शन शो होगा, इस पर आपको 7 बार टैप करना होगा। जैसे इस पर आप 7 बार टैप करते हो, टैप करने के बाद यहां से आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। जैसे मैंने यहां पर 7 बार टैप किया, टैप कर देने के बाद मेरे फोन का डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो चुका है। यहां से आपको बैक करना होगा। बैक कर देने के बाद अब मैं आपको दिखाने वाला हूं वो डेवलपर ऑप्शन कहां आ चुका है। यहां पर आपको नीचे आना होगा। दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो यहां पर डेवलपर का ऑप्शन नीचे शो हो रहा है, लाइक कुछ इस तरह से शो हो रहा हो। जैसे दोस्तों इस फोन में मेरा एडिशनल सेटिंग में ये ऑप्शन शो होता है और यहां पर आपको डायरेक्टली लाइक कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। फिर इस पर जैसे इस ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद अब मैं आपको वो चारों सेटिंग बताने वाला हूं जिससे आप अपनी बैटरी को सेफ जोन में रख सकते हो, ड्रेन होने से बचा सकते हो या दोस्तों आप उसे अधिक समय तक चला सकते हो, आपका बैटरी बहुत जल्दी खर्च हो जाता है। दोस्तों वो सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, नीचे आने के बाद दोस्तों यहां पर एक सेटिंग शो होगी। तो गाइस यहां पर अब आपको एक ऑप्शन शो होगा वाईफाई स्कैन थ्रॉटलिंग। इसका मींस क्या होता है, अगर इस ऑप्शन को आप इनेबल कर देते हो तो यहां पर नीचे को लिखा हुआ दिखेगा रिड्यूस बैटरी ड्रेन एंड इंप्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस। इसका क्या होता है दोस्तों, यहां पर आपको लिखा हुआ दिखेगा रिड्यूस बैटरी ड्रेन एंड इंप्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस। इसका मींस ये होता है अगर इस ऑप्शन को आप इनेबल कर लेते हो तो आपकी जो बैटरी ड्रेन होगी वो ड्रेनिंग नहीं होगी और जो आपका नेटवर्क परफॉर्मेंस होगा वो और आपका इंप्रूव हो जाएगा। इस ऑप्शन को आपको इनेबल कर लेना होगा। इनेबल कर लेने के बाद फिर आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद अब मैं आपको बताने वाला हूं कि वो आपको सेकंड सेटिंग कौन सी करनी जिससे आप अपनी बैटरी को सेफ जोन में रख सकते हो या अधिक समय तक आप चला सकते हो। तो इसके लिए आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना। नीचे आने के बाद अब मैं आपको वो सेकंड ऑप्शन बताने वाला हूं जो कि दोस्तों फोर्स 4XMSAA से आपको शो होगा। इसका मींस ये होता है जैसे कि आप अपने फोन पे गेमिंग वगैरह यूज करते हो, बड़े बड़े गेम यूज करते हो तो वो आपका गेम भी दोस्तों फास्ट चलेगा और बिल्कुल फ्री चलेगा। इस ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना। इनेबल कर देने से इससे आपको काफी प्रॉफिट देखने को मिलेगा जिससे आपकी बैटरी ड्रेन नहीं होगी और आपका जो गेम होगा वो दोस्तों फास्ट चलेगा। इन दोनों सेटिंग को आपको अपने डेवलपर ऑप्शन पे इनेबल कर लेना। इनेबल कर लेने और अब मैं आपको बताने वाला हूं वो तीसरी सेटिंग के बारे में। वो तीसरी सेटिंग कौन सी दोस्तों, वो तीसरी सेटिंग है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इसका मींस क्या होता है, आपके जो बैकग्राउंड में दोस्तों जो प्रोसेस होता है वो आप यहां से सेट कर लेते हो। जैसे मैं यहां पर एट मोस्ट 1 प्रोसेस को सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने से ये होगा कि आपके जो बैकग्राउंड पे दोस्तों आपको जो प्रोसेस होगा वो सिर्फ एक ही प्रोसेस वर्क करेगा, अदरवाइज कोई अदर प्रोसेस वर्क नहीं करेगा। इससे आपकी बैटरी जो होगी वो काफी सेफ जोन में रहेगी और आपका नेट भी अच्छा चलेगा। और दोस्तों इसके नीचे आपको दोस्तों एक ऑप्शन और देखने को मिलता है बैकग्राउंड चेक। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन शो होगा दोस्तों केसी क्लेंट। इसका मींस ये होता है कि यहां से आपको इस ऑप्शन को आपको ऑफ कर देना। ऑफ कर देने से यहां से आपकी बैटरी काफी सेफ रहेगी। कैसे, अगर यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन भी खुलते हैं उन सारे ऑप्शन को आपको ऑफ कर देना। ऑफ कर देने से दोस्तों इस तरह से आप अपने बैटरी की सेटिंग को अपने फोन में कर सकते हो जो कि आपके डेवलपर ऑप्शन में दी हुई है। इस तरह सेटिंग कर लेने के बाद दोस्तों आपकी बैटरी में 100% इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना। दोस्तों आपको वीडियो जैसी भी लगे अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर से इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना।